नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेस से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेस से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेस से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन, फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आएं। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार की आने वाली एपिसोड होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें आप देखेंगे माया की शादी अमार के भाई जुनेद से हो जाएगी और ये शादी फरीहा खुद करवाएगी। ये सब कुछ कैसे होगा? जब फरीहा के वालिद की तबीयत खराब होगी तो फरीहा उनसे मिलने हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पर नादरा बेगम फरीहा से कहेगी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, तुम्हें उसके बारे में सोचना होगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसी वजह से आज तुम्हारे वालिद की तबीयत खराब है। तो नाजरीन फरीहा अपने वालिद को इस हाल में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जब घर वापस जाएगी तो वो अपनी नानी से कहेगी कि हम क्यों ना माया का रिश्ता भाई जुनेद के लिए ले आए। माया पढ़ी लिखी अच्छी और खूबसूरत लड़की है, तो नाजरीन फरीहा की नानी इस पर फौरन रजामंद हो जाएगी और जुनेद का रिश्ता माया के साथ तय कर देगी। मगर फरीहा की दोस्त रानी फरीहा को समझाएगी, तुम्हें इस रिश्ते की मुखालफत करनी चाहिए थी, तुम अपने घर में सुकून से जिंदगी बसर करो, माया के यहाँ आने के बाद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। और नाजरीन अब देखेंगे जब माया की शादी जुनेद के साथ हो जाएगी तो माया अपने पुरानी अकड़ घमंड के साथ उस घर में आएगी और वो फरीहा को हर मुकाम पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन क्या इस तरह माया जुनेद की नजरों में इज्जत बनाने में कामयाब हो पाएगी और अमार लोगों के साथ रह पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।